नहीं चाहिए बोलो, इसीलिए नवीनता का दर्शन दिया था। लाओ जरा, चलो अब समय सीमा तो पर्याप्त ही है। हाँ बिल्कुल लाइए जरा। तो एक बात हमारी सुन ले, व्यवस्था बना लो। कहाँ की भागे के? जाओ किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, हमारे चक्कर में न पड़ो, है ना? और नहीं तो महिंद्रा चल की रास्ता भूल जाओगे। लौट जाओ महिंद्रा चल, ही तो दांत खट्टे बनाऊंगा। खोपड़ी में चढ़ा जा रहा। अरे बड़ी शान से की जाए मिथिला में, ईमान सारा क्षण भर में बनाऊंगा। ये सरस बालधरी, अरे क्रोध कर्मराज, शत्रु के शोरित की सरता भांगा। ऐति ना करूं तो सबात प्रभु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग। ताल ठोक कर क्यों रे लक्ष्मण, सोता सिंह जगाता है क्यों रघुवंशी बहुओं को, तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बहुआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चीटी के पंख स्वयं उगाते हैं। सावधान रहना बिल्कुल। लखन लखना राम लुप्त लाली को अलाल प्रभु का लाभ लोहा उठावेंगे, काटेंगे कंधकार पूर करने हरण की ये कोरी कल्पना को आकर्षित कर डालेंगे। छोड़ेंगे मार तब छक्के छूट जाएंगे, और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकाएंगे। होगी ना हमारी हार, हम हंसेंगे खेलेंगे, और आप हाय करके आया। देखो हल्के में लेने का प्रयास न करना, अपने पिता से पूछो जाके, अपने वंश में पता करो, अपनी प्रजाति में पता करो। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाहू, जिसका ध्यान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यपि उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। अरे था शांत भी था ये लखनलाल, नहीं क्या करेगा लखनलाल? देखो कृपया उचित दूरी। हाँ दो गज की दूरी जरूरी, वो भी बहुत जरूरी। किसके लिए? थोड़ा कृपया, तो खोपड़ी में चढ़े जा रहे हो, धोखे से फरसा लाग गया तो आफत। डरते हो क्या कि लड़का का बाबा ने निपटा दिया? देखो ये आओ कलंक का लाग जाए। देखो ये फरसा नहीं लगेगा धोखे, लेकिन आप सावधान हो जाओ। था शांत भी तक ये लखनलाल क्या करेगा? अपना के बाहर तो ये तभी छड़ जाएगा, क्या योगनी करेगा था सोलत की प्याज उठावेगी लखनलाल के क्रोध ज्वल से, ये धरा भस्म हो जाएगी। रणचंडी कहती पुकार, अरे बाबा स्वयं भगवती है, और निकल चला मिथिला के बाहर। बाबा खुली चिनौती है। तुम बड़ी जोर से चिनौती बोले हो, सुना सुनाओ तो कुछ कमी उसी की आवश्यकता है इस समय। बाचाल कहीं का धनुष के तुरैया को सभा के मध्य लाऊंगा, काट कर गर्दन आज धराधाम में मिलाऊंगा। एतीना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। अरे दम 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 के देख दानो दहलांदुरी, दाम नीत बक्सो दल तुष्ट दहल जाएंगे, भवन भगेंगे भो भवन को भयातुर है, और भूमि पर भयंकर ये साम्राज्य सबेंगे। सर सर सरकेंगे, सरा सर सर बिंदु सरज, शालमान शत्रु सिंह सामने आवेंगे। लखन लखेंगे लख चरेंगे लाख लोग, और प्रचंड मारकंड मुनि महिमे। आज क्षत्रियों की श्रोणित की नदी बहाऊंगा, लखनलाल तुम्हारे शीस को मुंड मारा कर भोलेनाथ को पहनाऊंगा। एती न करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। तो एक बात हमारी भी सुन लो महाराज। क्या? मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो तुम मेरे और अंतर की था तकनवाओगे, और चीखोगे चिल्लाओगे पछताओगे अन्य व्यक्तियों पर, ऐसा रुलाऊंगा कि रोने न पाओगे कुठार से काटने की बात। बीता के ऊपर अपने गुरु बाबा से शंकर को बुलाओगे, लक्ष्मण के चक्कर में न पड़ो, नहीं तो महाराज ऐसा गिराऊंगा कि वो चकने न पाओ। तो फिर हमने भी हट ठानी है। क्या आज पता चल जाएगा किस दूर? अरे ध्यान दे, बड़ा ही वीर रस का प्रसंग चल रहा है,
प्रभावित हुए संजय साउंड सर्विस सरसई दोनों सरकारों के चरणों में 25-25 पुष्प मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद भाई। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर। देखिए अगर इसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है तो फिर मन नहीं लगता कलाकार का। बहुत सुंदर दिव्य। इसलिए मैं बता दूं महाराज, अब मेरे भी मन को भाया है। क्या भाया है? अब पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध। ये पता का चल जाएगा तो दिखाई दे रहा। क्या आंखें से पता थोड़ी ना लगी। अरे बिल्कुल लगता है। अब अच्छा ईमानदारी से बताओ, लक्ष्मण ज्यादा दूध पिए कि परशुराम? देखो तो दिखाई नहीं रहा है। तो इस ये सबने बोला कर इस समय ऐसी ऐसी औषधियां हैं कि लोग खा रहे हैं। मैं औषधि वाले दिखाई दे रहे हैं तुम्हें कहा है बाचाल कहीं का। इसलिए आइए व्यास जी। आइए महाराज, हमारा जीवन दर्शन कैसा है? कैसा है? ओम महाराज कहना मारा ओम। अरे परवाह नहीं अग्नि बाधाएं, आती है तो वाने दूं। इसी में तो दम है बेटा तुम्हारे। चलो बढ़िया। महाकाल की तुम्हें घटाएं, छाती है तो छाने दूं मैं, छाती है तो। अरे मन को चिंता है किसकी? अरे जो अपने पथ का रखवाला है। अरे तूफान प्रलय ठंडावों में जो कभी नहीं रुकने वाला। आशावादी मानो हूं। क्या करते हो? मैं आशावादी मानो हूं। अरे मैं आशावादी मानो हूं। और हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान पे जो दो टुकड़ों में यह मेरे बस की। क्योंकि जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास हूं। प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा वग्री ऋतु शरद शिशिर हे मंत और बीता बसंत। सुख से नाराग और दुख से न द्वेष। सुखाया मैं रागी नहीं बना। एक बार दुख ने कहा मैं भी आ रहा हूं। हमने कहा आओ तुम्हारा स्वागत है। सुख दुखे समय कृपाला भाला बहुत आ जाओ। सुख से न राग दुख से न द्वेष। सुख से हो गया पृथक जगनाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। और ध्यान दे आप हैं बहुत अच्छे रामलीला के अभिनेता हमारे देवेंद्र जी जो मसगांव से आए हैं। दोनों सरकारों के चरणों में 10-10 पुष्प मुद्रा अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं सत्यम तिवारी जी, ये भी हमारे बहुत अच्छे लक्ष्मण के अभिनेता हैं। इनकी तरफ से भी दोनों सरकारों के चरणों में और सीता जी के अभिनय पर हैं 10-10 पुष्प मुद्रा अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए महाराज, हमारा भी कहना है। और क्या कहना है? वृंदावन।
लगाओ व्यास जी वृंदावन। संघर्ष जीवन, संघर्ष जीवन, जीवन जीवन संघर्ष जीवन का पर्याय और संघर्ष जीवन का पर्याय है। हाँ, और संघर्ष सबको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विपदा के बादल अब यहां छा रहे। ऐसा लगता है कि अंगारों पर अब चलना पड़ेगा। मैंने देखा है महाराज। क्या? और क्या देखा है? क्या? कि मानो बना मानो नहीं या प्राप्मानु संदेहं मोक्ष द्वारं पावतं गृहेषु खगवत् सक्तस्त मानोत्तम विदु। मानो होकर के भी जो सांसारिक अवगुणों में फंसा रहा उसका मानव जीवन पाना व्यर्थ है। मानो बना अरो मानवता नहीं मेरी दृष्टि में। अरे ये मानो मानो नहीं और करता रहा। क्या? करता रहा करता रहा सदा दुष्कर्म। तो फिर दानो वही है बाबा वो मानो नहीं। और विषमता के बादल अब यहाँ छा रहे। ऐसा लगता है कि अब मिलकर चलना पड़े। हाँ बोलो बोलो बोलो। और धन्य आप हैं ठाकुर श्री लोटन सिंह खेंगर जो गढ़ा पास्ता इटावा के पास से आए हैं। दोनों सरकारों के चरणों में 25-25 पुष्प मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बेटे लक्ष्मण तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो उस पर जिस पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका बतलाओ तो कारण। अरे मैं करता हूं यह माया संवाद भी हुआ इसी में। मैं करता हूं यह मेरा है जब इसका कर डालो विनाश फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता बातों से। और आप हैं परमादरणीय पंडित श्री श्याम द्विवेदी जी जो बांदा से आए हैं। दोनों सरकारों के चरणों में 50-50 पुष्प मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं रामजी द्विवेदी जो बिंदकी फतेहपुर से आए हैं। इनकी तरफ से दोनों सरकारों को चरणों में 50 पुष्प मुद्राएं अर्पण है। और द्विवेदी जी का कहना है कौन सी बूंद मोती बन जाए। और महाराज हमारा कहना है क्या समाज के लिए अच्छा, दर्शन अच्छा, है। अच्छा अभी बूंद मोती वाला प्रभाव कम नहीं हुआ है। हाँ वही है अभी अभी कहा। तो आइए दर्शन हमारी ओर से इसके बाद बूंद की ओर चला जाए। लाओ लाओ बेटे है ना। हमारा कहना है महाराज क्या अरे आओ अब थोड़ा वहां चले। कहां पर? जहां आओ अब थोड़ा वहां चले जहां शांति का तट है। अरे
पर जहां शांति का तट है, और लगता है सुना सुना पर सुना ना वो मरघट है, सभी चिताएं जली पड़ी हैं, अरे ये सभी चिताएं जली पड़ी है, और करती एक उजेला, और माया का मेला तोड़ ताड़ के उड़ता हंस अकेला, माया का मेला तोड़ ताड़ के उड़ता हंस अकेला। मैंने देखा है महाराज, देखा है, अरे दाना बीन चबाने वाले उसी घाट में जाते हैं, अरे स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट में आते हैं, और ये बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट में जाते हैं, और चंदन रोज लगाने वाले इसी घाट में आते हैं। इतना ही नहीं, अरे राम नाम को गाने वाले उसी घाट में जाते हैं, तो धर्म ध्वजा फहराने वाले इसी घाट में आते हैं, और माथे पर त्रिपुंड लगाने वाले अरे उसी घाट में जाते हैं, तो बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट में आते हैं। आगे क्या जाना भी आप जी हमने क्या, अरे नारी जब छूटे गई नर की, क्या हुआ नारी ना तो परजन इतना ही कर पाए, और चार जना कांधे पर रख कर मरघट तक ले आए। देखा महाराज कवि ने है? क्या देखा क्या, अरे धू धू कर जल उठी चिताएं, सबने तुमको देखा, और जो लिपटे रहते छाती से उसने भी मुख मोड़ा। कवि ने अपनी बार एक बार पूछा किसी ने, ईमानदारी से उत्तर करना जितने लोग बैठे हो, इस जीवन की कितनी यात्रा है। कवि से पूछा तो कवि ने लिखा कि माँ की गोदी से मरघट तक, इस यात्रा का प्रारंभ माँ की गोद से हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक, अरे बस इतनी थी दूरी जिसे जिसे को तय करने में तुमने अरे उम्र लगा दी पूरी। कवि ने अपनी कलम उठाई और एक रचना कर दी। क्या किसी कवि ने इस शरीर को क्या कहा है, अरे कंचन काया का नाम दिया है, उसी कवि ने इस शरीर पर हंस करके एक व्यंग किया है, अरे देखो तो सोने की राखी को ऊंचे दामों में बिकती है, पर हायर मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी ही फिरती है। चल मुसाफिर चल, अब चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, अब चल मुसाफिर चल, अरे माया की नगरी छोड़ के, माया नगरी छोड़ करके जाना कहाँ है, परम पिता परमात्मा की ओर व्यक्ति को जाना चाहिए। कहना है महाराज, एक बूंद की बात आई थी, हाँ वो भी हो जाए कुछ रहा है ना, हाँ बूंद न रहने पाए, अरे ये कहां से आए कैसे आए, कहां से आए कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। अरे चलते चलते श्रमित हो गया, फिर भी पथ की थाह नहीं, प्राणी पहुंचा उस मंजिल में
जिसके आगे राह नहीं। बोले कौन सिला शंकर बन जाए, अरे ये शिखरों को मालूम नहीं। और कौन नदी गंगा बनाया वे सागर को मालूम नहीं। अरे कितने तारे हैं अंबर में, कितने तारे हैं अंबर में, हाँ ये दिनकर को मालूम नहीं। कौन कली पहले खिल जावे वृक्षों को मालूम नहीं। अरे ये ऋषि दधीचि का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया, और सिर्फ कलाकारों के बल पर पत्थर भी भगवान बन गया। सिर्फ कलाकारों के बल पर पत्थर भी, तो ये चंद्र पथिक पथ कैसे भटका। अच्छा बदल दिया। अरे चंद्र पथिक पथ कैसे भटका, ये राहों को मालूम नहीं। और कितने तारे हैं अंबर में ये दिनकर को। आइए सभी लोगों को चार पंक्तियां जीवन का यथार्थ सुनाई देता हूं। तो अनजाने राही देखो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। एक राही का नाम है वर और दूसरी का नाम है कन्या, अपरिचित है, दाम्पत्य सूत्र में बंध जाते हैं। साथ जिएंगे साथ मरेंगे ऐसी कसमें खाते हैं, फिर पर कौन सा साथी कब छूट जाए। अरे ये दंपति को मालूम नहीं। कौन कली पहले खिल जावे वृक्षों को मालूम नहीं। कहां से आए। एक और सिद्धांत जीवन का है, प्रात काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देता है। या कभी ने पंछी कहा है, पंछी मित्र कोई और नहीं, हम सब लोग हैं। सुबह जाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। प्रात काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देता है, छोड़ घोंसलों में बच्चों को परिवार का सेवन करता है। लेकिन याद रखना कब शिकार किसका हो जाए। सुबह घर से निकलते हो तो ये कोई नहीं कह सकता कि शाम को सही सलामत आ ही जाओगे। कब शिकार किसका हो जाए ये पक्षी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जावे मेघों को मालूम नहीं। और धन्य आप हैं परमादरणीय मूलचंद प्रजापति जी कोरारा, दोनों सरकारों के चरणों पर दस दस पुष्प मुद्रा अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इसलिए कहना है महाराज की गीत भूतान के मिल शाबाश। गीत भूतान के मिलके गाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर अब जगाते चलो। गीत भूदान के मिल के गाते चलो। कहना मारा क्या, अरे कोई भूखा न हो शाबाश, ये कोई भूखा न हो, और अरे कोई नंगा न हो, और पंच महलों में गंगा और जमुना न हो। करना क्या है, क्या करना है महाराज। ये भूमि तेरी और ये भूमि मेरी नहीं, और भूमि माँ है किसी की, ये
हाथ लेकर कोदाली और श्रम दिखाते चलो और प्रेम का दीप घर घर जगाते चलो। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही, आप है हमारे सुरेश जी पालिस वाले और देवेंद्र जी रब्बी वाले, उनकी तरफ से 101 मुद्रा प्रदान हुई। जियो बेटे शाबाश, क्योंकि महाराज अरे ये चांद मिलता नहीं, ये वाला भी है, ये चांद मिलता नहीं सबको, अरे सबको संसार में बाजार में है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया प्रभु के लिए, अरे ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। और धन्य आप हैं परमादरणीय पुष्पेंद्र जी जो मसगांव हमीरपुर से आए हैं, दोनों सरकारों के चरणों में 50-50 पुष्प मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं और रामलीला के बहुत अच्छे कलाकार भी आए, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं रविकांत छानी से, दोनों सरकारों के चरणों में 25-25 पुष्प मुद्रा अर्पण कर रहे हैं और आप हैं श्यामलाल अनुरागी जी कुरारा से, ये भी दोनों सरकारों के चरणों में 25-25 यानी कि 50 पुष्प मुद्रा अर्पण कर रहे हैं, 101 पुष्प मुद्राएं दोनों भाई मिलकर के दोनों सरकारों के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। कई जहू लखें